अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब तबारक व तआला के नज़दीक दीन इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा और महबूब तरीन और मतलूब बंदों से वो दीन इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक्बला मिन्हू, इस्लाम के अलावा किसी और दीन को, किसी और मसलक को, किसी और मजहब को अगर किसी ने अपनाया तो रब तबारक व ताला फरमाता है उससे हरगिज कबूल ही नहीं किया जाएगा। और फिर साथ साथ ये फरमा दिया वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, जिनों को और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि ये सिर्फ और सिर्फ एक अकेले अल्लाह की इबादत और बंदगी करें, उसकी इबादत में, उसके सिफात में, उसके कमालात में, उसके इख्तियारात में किसी को भी शरीक ना करें। और इबादत के अंदर बुनियादी इबादत, सबसे पहली इबादत बता दी गई कि वो नमाज है। नमाज अगर है तो दीगर इबादत की भी कोई ना कोई हैसियत जरूर बाकी रहेगी। और अगर नमाज नहीं, इंसान रोजे रख रहा है, कोई हैसियत नहीं नमाज नहीं पढ़ रहा, तो अगर इंसान सदकात और खैरात निकाल रहा है, उम्रे और हज कर रहा है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। बल्कि यहाँ तक फरमाया अकीमुस्सला, नमाज को कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, यानी नमाज को छोड़कर मुशरिकों में से मत हो जाओ। गोया के नमाज को छोड़ने वाला एक लिहाज से मुशरिक है। अरअयतल्लज़ी मनित्तखज़ा इलाहहु हवा, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को माबूद बनाया हुआ है, नमाज नहीं पढ़ता, ये उसका नफ्स उसको दूर लेकर के गया हुआ है, उसकी ख्वाहिशात अल्लाह रसूल के अहकामात से हटी हुई हैं, इसने इसी को माबूद बना लिया, शिर्क नहीं तो फिर और क्या है। और नमाज के बगैर जब कोई इबादत कबूल ना हो तो फिर जन्नत में कैसे जाएगा। लेकिन हमें ऐसा भी मिलता है कि पूरी जिंदगी में एक नमाज भी नहीं पढ़ी, एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी और जन्नत में गया सीधा। अल्लाह अकबर, पता है वो कौन खुश नसीब इंसान है या किस तरह से ऐसा शख्स कि जिसने एक नमाज भी न पढ़ी हो और वो सीधा जन्नत में चला जाए। आप अगर कुरान का और सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शमय रिसालत के परवानों की तारीख का अगर मुताला करते होंगे तो यकीनन आपको मालूम होगा। लेकिन आपको अगर नहीं मालूम तो आप अपने नफ्स में झांक करके देखें। मैं रोज़मर्रा की खबरें तो सुन लेता हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की खबरें सुनने के लिए अपने आप को आमादा रखता हूं। लेकिन आमादा नहीं किया हुआ तो कुरान पढ़ने के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को पढ़ने के लिए, शमाए रिसालत के परवाने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन इंसान हैं, उनकी सीरत को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा आपको, तो इससे बढ़कर बदबख्ती और बदनसीबी क्या होगी। हर शख्स अपने नफ्स का मुहासबा खुद कर सकता है। हासिबू अनफुसकुम कबल अन तुहासबू, उस वक्त के आने से पहले पहले कि जब तुम्हारा हिसाब व किताब लेने वाला कोई दूसरा होगा, उस वक्त के आने से पहले पहले तुम अपने नफ्स का, अपने आमाल का खुद ही मुहासबा कर लो, हिसाब व किताब ले लो, कहाँ कहाँ नेकियाँ छूट रही हैं और कहाँ कहाँ बुराइयाँ करीब आ रही हैं। जब यहीं हम मुहासबा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी, गुनाह छूटते रहेंगे और नेकियां करीब आती रहेंगी। तो वो शख्स कि जिसने जिंदगी में एक नमाज भी नहीं पढ़ी
और जन्नत की बशारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अता फरमाई। बद्दू आया ऊंट के ऊपर सवार होकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़े अदब और एहतराम से बैठा और कहने लगा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आपने उसको कलमा पढ़वाया, उसने कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात उसको देनी थी कि तुमने ये अमल करने हैं, वो सब कुछ आपने बता दिया। अब ये सुनकर और अजम करके कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये नमाजें भी पढ़नी है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, जो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो सब का अजम करते हुए लेकर के उठा है और जा रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। ही अभी थोड़े फासले पर गया है कि उसके ऊंट को कुछ ठोकर लगी और झटका लगा इसको, ऊपर से बेचारा गिरा है गर्दन के बल और वहीं पर अल्लाह को प्यारा हो गया। एक नमाज भी नहीं पढ़ी, क्यों? मौका ही नहीं मिला। ये है वो जिसको जिंदगी में नमाज पढ़ने का मौका ना मिला हो, नमाज पढ़ने का उसकी जिंदगी में इस्लाम कबूल करने के बाद वक्त ही ना आया हो, तो बावजूद इसके कि उसने जिंदगी में नमाज तो कोई भी नहीं पढ़ी, लेकिन वो अल्लाह अरहमुर राहिमीन, वो हलीम, वो बुर्दबार, वो रहमान रहीम अपने उस ईमान वाले मुसलमान बंदे को भी जन्नत अता फरमा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जन्नत की बशारत अता फरमाई। इसी तरह से एक और शख्स आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैं भी जिहाद में चलना चाहता हूं मुसलमान होकर। मुसलमान हो गया, अभी नमाज वगैरह इबादत कोई नहीं हुई थी उसकी, मुसलमान हो गया, इस्लाम कबूल कर लिया और मुजाहिदीन के साथ निकल चला है और वहीं पर वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, गया सीधा जन्नत में। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, माओ और बहनों, मेरे सामईन, ये तो देखें, अगर हमारी जिंदगी में नमाज का वक्त आ रहा है और हम नहीं पढ़ रहे, जहन्नम जाना पड़ेगा। और हमारी जिंदगी में वक्त नहीं आया नमाज का और फिर इंतकाल हो गया तो यकीनन जन्नत मिलेगी।